हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष यादव और आपका स्वागत है मेरी वेबसाइट cncbasic.com पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये एक प्रैक्टिकल वीडियो है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इस फानुक कंट्रोलर पे किस तरीके से हम मेमोरी कार्ड का जो कोई प्रोग्राम है, जो फ्लैश कार्ड है, ये इसे फ्लैश कार्ड कहते हैं हम, ठीक है। इस फ्लैश कार्ड में आप देख सकते हैं ये क्या है, फ्लैश कार्ड एडॉप्टर है और ये क्या है, हमारी फ्लैश कार्ड है, या इसे मेमोरी कार्ड भी बोल सकते हैं। तो आज जो है हम इसकी जो यूज करेंगे और इसमें क्या होगा, जो प्रोग्राम इस मेमोरी कार्ड में है वो हम क्या करेंगे, मशीन में लेंगे। पहले मेमोरी कार्ड का प्रोग्राम हम सीएनसी मेमोरी में लेंगे और फिर क्या करेंगे, दूसरा सीएनसी मेमोरी का जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम हम उठा के अपने मेमोरी कार्ड में ले लेंगे। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से आज यहाँ पे समझ में आने वाला है, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर मेरे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आता हूँ आपके लिए, जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल वीडियोस हैं, तो आप घर बैठे भी सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहें तो। ठीक है दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा नजदीक से मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा कैमरे को मैं क्लोज करूंगा कि जिससे आपको सारी चीजें दिख जाए अच्छे से। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये फ्लैश कार्ड है आपका, ठीक है ना। इस फ्लैश कार्ड में जो है, देखिए फ्लैश कार्ड ये होता है आपका, ठीक है। ये फ्लैश कार्ड है, ये क्या है आपका, एडॉप्टर है। अब मैं निकाल दिया था मैंने, अब दोबारा मैं लगा के दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ठीक है। इस तरीके से आपका होगा ये फ्लैश कार्ड, और ये फ्लैश कार्ड में देखिए ये डॉटेड वाला जो पॉइंट है ये आगे को रहता है, ठीक है। ये आपको ऐसे रखना, और ये वाला जो साइड है आपको हमेशा राइट हैंड पे रखना अपना। तो राइट हैंड पे इसको हमने रख लिया अपना, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, ये सॉकेट खोलेंगे ये वाला, ठीक है। ये हमने सॉकेट खोल दिया। अब ये सॉकेट खोल के ये वाला जो मैंने आपको पिन वाला जो पॉइंट आपको दिखाया था, ये देख लीजिए दोबारा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से लगाएंगे अंदर की साइड, ठीक है। अभी हमने इसमें यूज कर लिया, इसे डाल दिया, ज़्यादा ताकत नहीं लगाना, हल्के से प्रेस करना है इसको। इसे प्रेस कर लिया, अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे एक एक चीजों को आप फॉलोअप करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है देख लीजिए आप, सबसे पहले जो आपकी एक की है, इस की को क्या करना, आई से क्या करना, आई से करना है ओपे, ठीक है। ये ध्यान से आई से ओपे कर लीजिएगा। अब ये देखिए आप, ये जो आपका एडिट मोड है या ऑटोमेटिक कहीं भी हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसे लेना है एमडीआई में। मैंने इसे ले लिया एमडीआई में, ठीक है। क्या करना है, पहले पहले की को आई से ओपे करना है, और दूसरा हमें क्या करना है, हमको इसे एमडीआई मोड में ले लेना है, वो हमने ले लिया। अब हमें तीसरा क्या करना है, थर्ड स्टेप हमारा क्या है, इसके बाद जो है हमको जाना है, ये देखिए ऑफसेट की पे, ठीक है। और इस ऑफसेट की को प्रेस करना है, देखिए अभी स्क्रीन कौन सा आ रहा है, चेंज हो जाएगा, मैं दोबारा दिखाऊंगा आपको, ये देखिए, ठीक है। ये आपको ऑफसेट की था, यही बताया था ना मैं, देखो इसे दबाऊंगा, स्क्रीन आपकी चेंज होगी। एक बार दबाया ये चेंज हो गई, फिर दोबारा दबाया, अब आपका आ गया सेटिंग हैंडी। ध्यान रखना यहीं पे होना चाहिए हमारा। इसके बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये देखिए ये येलो वाला जो एक कर्सर है, इस कर्सर को हम क्या करते हैं, देखिए राइट और लेफ्ट, देखिए इससे ऊपर नीचे कर रहा हूं मैं, देख पा रहे होंगे ना आप, इससे मैं राइट लेफ्ट की मदद से ऊपर नीचे आगे पीछे कर पा रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, इस कर्सर को नीचे डाउन करके हम कहां लेके आएंगे, आईओ चैनल पे। देखिए लिखा आईओ चैनल, इनपुट आउटपुट चैनल है, ये अभी चार पे है और ये फोर पे ही होना चाहिए एक्चुअल में, तो फोर पे ऑटोमेटिकली है। अगर ये जीरो पे इस तरीके से होता है तो हमें क्या करना है, हमें इसको फोर पे चेंज करना है। तो हम प्रेस करेंगे, देखिए हम यहां से प्रेस करते हैं, देखिए फोर, ठीक है। और यहां पे फोर प्रेस करने के बाद हमें क्या करना है, यहां से हम दबा देंगे इनपुट, यहां से दबा दीजिए, यहां से दबा दीजिए आप, ठीक है ना। तो मैं यहां से दबा देता हूं, तो देखिए ये आपका चेंज हो गया, ये आपका क्या हो गया, फोर हो गया। तो दोस्तों ये फोर जो है, ये हमारा क्या है, ये फ्लैश कार्ड होता है, इसको रीड कराने के लिए फोर नंबर जो कोड है हमें वहां पे चेंज करना पड़ेगा इस नंबर को, तो हमने इसे चेंज कर दिया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये हमारा हो गया स्टेप। इसके बाद अब हम आएंगे, ये जो हमारा की है, ये देखिए जो अभी एमडीआई पे है ना, इसको हम किस पे लेंगे, एडिट मोड पे लेंगे अब, ठीक है। मैं एडिट दबा देता हूं, एडिट मोड, ये देखिए एडिट मोड आ गया आपका। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद
इसके बाद हम दबाएंगे ये प्रोग्राम जो लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैं दिखा देता हूँ ये भी आपको, ये देखिए, ठीक है। इसको हम दबाएंगे, मैं दबाता हूँ दोबारा, देखिए प्रोग्राम दबाया मैंने, दबाते यहाँ पे क्या हो गया, देखो DIR लिख के आ गया डायरेक्टरी। देखिए डायरेक्टरी के नीचे का सॉफ्ट की है, इसे भी जूम करके दिखाऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, इसको डायरेक्टरी वाला है इसको हम दबा देंगे, ठीक है। आप एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। डायरेक्टरी को हमने कर दिया क्लिक, इसको प्रेस कर दिया हमने, अब हम दबाएंगे OPRT ऑपरेट, ऑपरेट दबाया, इसके बाद ये प्लस का साइन आ रहा है, इसके नीचे का सॉफ्ट की दबाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, देखिए चेंज हो रहा है, डिवाइस लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। अब आप थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे डिवाइस पे क्या लिखा हुआ आया है, CNC मेमोरी, डिवाइस पे लिखा हुआ आया है CNC मेमोरी। तो अब CNC मेमोरी डिवाइस पे लिखा हुआ आ रहा है हमारा, तो हमें क्या है, हमें अभी डिवाइस को चेंज करना है। डिवाइस चेंज करने का मतलब क्या है, CNC मेमोरी से मेमोरी कार्ड पे लेके आना है। तो क्या करेंगे, हम डिवाइस को फिर दबा देंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए डिवाइस के नीचे का सॉफ्ट की दबा रहा हूं मैं, दबा दिया मैंने। अब देखिए क्या क्या ऑप्शन आया, CNC मेमोरी और मेमोरी कार्ड। तो अब हमें मेमोरी कार्ड के नीचे का फ्लैश दबाना है, ठीक है। अब इसे दबाएंगे तो देखिए डिवाइस की जगह CNC मेमोरी की जगह जो है ना, ये आ जाएगा मेमोरी कार्ड आपका, ये देखिए मैं दबा रहा हूं। अब मैंने इसे दबा दिया, अब देखिए क्या लिखा हुआ गया, डिवाइस में लिखा आ गया आपका मेमोरी कार्ड। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसे चेंज किया, आप एक एक स्टेप को फॉलो कीजिए आप, ठीक है। अब इसके बाद अब देखते हैं क्या है इसमें। अब दोस्तों यहां पे देखिए प्रोग्राम डला हुआ है O001, ठीक है। अब हम देखेंगे किस तरीके से हमें करना, मैं आपको दोनों चीज करके दिखाऊंगा। अब ये मेमोरी कार्ड है, अब इस मेमोरी कार्ड में हम चलते हैं, अब इस मेमोरी कार्ड में देखते हैं कौन सा प्रोग्राम हमारे पास है। देखिए पढ़ते जाइए, ये O0052 0038, ध्यान से देखिएगा आप इसे। अब हम यहाँ पे आ गए, अब देखते हैं कौन कौन सा प्रोग्राम यहाँ पे डला हुआ है पहले से। और ये देखिए, ये मैं इस कर्सर से ऊपर नीचे करता हूँ, ध्यान से देखिए आप, ये देखिए, ठीक है। तो इससे ध्यान से देखिए आप। अब हम देखते हैं O0075 भी है, O0074 भी है, 901 भी है, ठीक है, 3752। अब इसमें से हम कोई ना कोई एक प्रोग्राम हम सेलेक्ट करेंगे और उसको मशीन में लेंगे, ठीक है। तो अब सेलेक्ट करता है कौन सा लेते हैं, हम एक काम करते हैं कि ये प्रोग्राम नंबर देखिए सबसे ऊपर जो है कौन सा है, ये O0003। तो इसको क्या करने जा रहे हैं हम, इसको हम ले लेते हैं मशीन के अंदर, ठीक है ना। अभी किसके अंदर है, ये मेमोरी कार्ड में। अब हमें मशीन के अंदर लेना है, तो मशीन के अंदर लेना है तो हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम नंबर को टाइप करेंगे O0003। ये मैंने टाइप कर दिया दोस्तों, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया O0003। अब मुझे क्या करना है, इसे मशीन में लेना है, तो मैं इसके लिए क्या दबाऊंगा, F इनपुट मैं प्रेस कर रहा हूँ सॉफ्ट के नीचे, देख लीजिए आप, F इनपुट टाइप किया हुआ प्रोग्राम, F इनपुट दबाऊंगा, F इनपुट, और मैं इसे क्या करूंगा, एग्जीक्यूट, ठीक है। अब ये प्रोग्राम क्या है, ये मशीन में जा चुका है, वो मैं अभी आपको मेमोरी कार्ड निकाल के दिखाऊंगा, मशीन में आया नहीं आया। याद रखिएगा प्रोग्राम नंबर क्या था, O0003, ये हमारा मेमोरी कार्ड से मशीन में जा चुका है, ओके। अब आप देखिए यहां पे प्रोग्राम नंबर एक नहीं होगा, O0034025016126586982, और नीचे करो 9080625 8, यहां पे देखिए एक नंबर का प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। अब एक नंबर का प्रोग्राम नहीं है तो मैं इसमें एक नंबर का प्रोग्राम देना चाहता हूं जो मेरे मशीन में है। अभी ये मेमोरी कार्ड शो हो रहा है, तो मशीन मेमोरी में प्रोग्राम नंबर है O0001, तो वो मैं मशीन का प्रोग्राम नंबर यहां टाइप करूंगा O0001। देखिए ये टाइप कर लिया मैंने, अब मैं इसे मशीन से किस में लूंगा, मेमोरी कार्ड में लूंगा। देखिए अभी तक मेमोरी कार्ड में नहीं था प्रोग्राम, आपने ध्यान से देख भी लिया होगा। अब मैंने यहां टाइप कर दिया, अब मैं करता हूं F आउटपुट, देखिए ये दबा दिया मैंने की, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करने को पूछ रहा है, मैं इसे कर देता हूं एग्जीक्यूट, ठीक है। अब ये प्रोग्राम आउटपुट हो गया और ये आ चुका है। अब देखिए कहां आया, देखो मशीन में, इसमें देखिए मेमोरी कार्ड में,
प्रोग्राम नंबर हमारा कहाँ पे है, ये देखिए, अब हम इसे कर्सर से इसे डाउन करके देखते हैं इसे, ठीक है। ये देखिए मेरी उंगली आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए अब मैं दबाता हूँ, अब प्रोग्राम मेरा आ जाएगा यहाँ पे। अभी तक कोई नहीं आया, 4333454230105। अब मैं कर्सर से डाउन करता हूँ इसे, ये डाउन किया, ये डाउन किया, ये डाउन किया, ये डाउन किया, ये देखिए आ गया 0001। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से क्या किया आपने, मेमोरी कार्ड में मशीन से ले लिया प्रोग्राम नंबर। अब हम इस करेंगे, इस मेमोरी कार्ड को बाहर निकालेंगे और तीन नंबर का प्रोग्राम ये देखेंगे कि हमारे मशीन में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो मैं इसे बाहर निकाल लेता हूं। बाहर निकालने के लिए सिंपली क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, मेमोरी कार्ड से बाहर निकल जाएंगे। तो मैं इस प्लस वाले की को दबाता हूं, ये देख लीजिए प्लस वाले की को दबाया, ठीक है, डिवाइस लिखा हुआ आया, डिवाइस के नीचे का की दबाया, ओके। अब मैं इसे ले लेता हूं किसमें, सीएनसी मेमोरी में, ठीक है। अब सीएनसी मेमोरी में ले लिया, अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, कार्ड को निकाल लेता हूं बाहर। ये देखिए कार्ड है ना मेरा, ये देखिए, ठीक है। अब ये कार्ड मेरे हाथ में आ चुका है, मैंने इसे रख लिया, इसे कीजिए बंद। अब देखिए सीएनसी मेमोरी में देखिए 0001 प्रोग्राम ऊपर आ रखा है, ये देखिए आ गया ना। अब मैं इस प्रोग्राम को अब मैं निकाल लूंगा, देखो 0001 ओ सर्च, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए मेमोरी कार्ड मेरे हाथ में है अब, ठीक है। अब ये एक नंबर का प्रोग्राम जो है मेरे मशीन में आ चुका है, देख लीजिए आप, है ना, ये देखिए आ गया, ओके। तो इस तरीके से दोस्तों हमने प्रोग्राम को, अब हमने फ्लैश कार्ड से मशीन में भी ले लिया और मशीन से फ्लैश कार्ड में ले लिया।